बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिस स्टार्टिंग हमारा आज हमारा जो टॉपिक है एडाब फ्रॉम बिगिनिंग। आज हम एडाब देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पर जो हमारे पास इंटरफेस मौजूद है एडाब का, बिल्कुल इसी तरह होंगे। जब आप एडाब को ओपन करेंगे तो आपके साथ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे। जब आपको इंटरफेस अच्छी तरह मालूम हो तो फिर आपको प्रोग्राम में मसला ना हो। अगर आपको इंटरफेस के बारे में मालूमात ना हो, अगर आपने इंटरफेस अच्छी तरह एक्सप्लेन ना किया हो तो आपको मसला हो सकता है कि आपको टेंशन का सामना करना पड़ेगा ना। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास आता है फाइल एडिट इमेज लेयर सेलेक्ट फिल्टर, यहाँ पर हमें इसे मीनू कहते हैं, मीनू बार। फाइल मीनू, एडिट मीनू, इमेज मीनू, लेयर मीनू, सेलेक्ट मीनू। जब हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हम इसको इंशाल्लाह नंबर वार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मीनू बार आता है फाइल मीनू, एडिट मीनू, इमेज, यहाँ पर जो हम जो इमेज का सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हमको इसे इंटरफेस का मालूमात होना चाहिए। अगर हमें इसे अच्छी तरह मालूम हो तो हमें अच्छी तरह काम कर सकता है एडाब में। और ये जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा है ये टूल प्रीसेट है, यहाँ पर इसको टूल बार कहते हैं। यहाँ पर इस बार को टूल बार कहते हैं और इसमें जितने भी टूल्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है, और ये जो जितने भी टूल्स हैं हमें ये इस्तेमाल कर सकता है इजीली। आई एम गोइंग टू शो टू एक्सप्लेन मोर द इंटरफेस ऑफ एडाब। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, आइए हम यहाँ पर इंशाल्लाह टूल प्रीसेट के बारे में जानेंगे। हर एक टूल के बारे में इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिस किसी को भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम हो तो हम इसे अच्छी तरह हल करेंगे। ये टूल प्रीसेट ही, यहाँ पर से हम हर एक टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो आता है नेविगेटर, यहाँ पर हम पिक्चर को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और ये जो इंको है इसके साथ, ये जो इंको है ये इमेज का जो कलर सेटअप है, यहाँ पर आता है कि हमारा इमेज किस कलर में रनिंग करता है। RGB में, CMYK में, CMYK RGB रेड ग्रीन ब्लू, और CMYK सायान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। यानी ये जो इंको है यहाँ पर सेटअप पिक्चर की सेटअप कलर का जो सेटअप है यहाँ पर हो सकता है। यानी ये जस्ट सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है यहाँ पर कि आपका जो पिक्चर है इस कलर में रनिंग करता है। और यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर से हम जो भी कलर इस्तेमाल करते हैं, जो भी कलर हम यहाँ पर चूज करते हैं तो वही कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर स्विचेस है, यहाँ भी कलर का मिकदार थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। और यहाँ पर स्टाइल्स है, जो आपको स्टाइलिश कलर मिल सकता है यहाँ पर। अगर आपको लाइन्स या कोई टेक्स्ट वगैरह को स्टाइलिश कलर देना है तो यहाँ पर आप इसी कलर से स्टाइलिश कलर दे सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे पास इसके नीचे हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री का काम ये है कि हम जब यहाँ पर जो काम भी करे यहाँ पर इसका जो डिटेल है यहाँ पर आता है। जो भी पिक्चर एडाब की स्क्रीन में इंटरफेस में आता है तो यहाँ पर इसका फुल डिस्क्रिप्शन तफसील, जो भी काम करे यहाँ पर इसका तफसील डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में आता है। एक्शन एक्शन का जो काम है, एक्शन एक्शन का काम ये है कि जब आप एक काम शुरू करते हो और आप इससे बार बार करते हो तो
अगर आप इसका एक्शन बना ले तो बार बार करने से, आपको सिर्फ एक बार करने से इसका शॉर्टकट की बनाकर दोबारा वही पेस्ट कर सकते हो। यह एक्शन का जो काम है यहाँ पर एक्शन, यानी कि जब आप एक काम को बार बार करना हो तो यहाँ पर एक्शन बना ले, तो एक काम को सिर्फ एक शॉर्टकट की के साथ दोबारा रिपीट कर सकते हो। और यहाँ पर जो टूल प्रीसेट है इसका जो मीनिंग है, जब आप कोई भी टूल्स यहाँ से इस्तेमाल करें तो यहाँ पर फुल तफसील यहाँ पर आपके साथ आता है। टूल प्रीसेट में जो भी टूल्स आप यहाँ पर इस्तेमाल करें तो इसका फुल तफसील यहाँ पर टूल प्रीसेट में आपके साथ आ जाएंगे। जैसा कि मैंने ये ब्रश टूल इस्तेमाल करता हूँ, मैंने यहाँ पर ब्रश टूल इस्तेमाल किया तो यहाँ टूल प्रीसेट में यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल किया फुल तफसील यहाँ पे आ गया है, 50 ब्लू और इसका जो तफसील है फुल यहाँ पर आता है। अगर हम यहाँ पे जाए और कोई दूसरा टूल इस्तेमाल करें तो इसका भी यहाँ पर से अलग नेम और अलग डिस्क्रिप्शन फुल यहाँ पर आता है। यहाँ हमने ये कर लिया और ये टूल हमने इस्तेमाल किया है, और इसके बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एन पे ओके प्रेस करता हूँ, ओके के बाद मैं इस पे जाता हूँ और इसके बाद मैं ये मूव करता हूँ। जो भी काम जो भी टूल्स में इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर से इसका फुल डिस्क्रिप्शन और तफसील यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये टूल प्रीसेट इसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर जो है लायर एडोब में हम जो काम करें लायर के जरिए करें, बार बार लायर के बाहर कुछ काम हो नहीं सकता एडोब में। जैसे कि हम वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में स्लाइड होंगे और एक्सेल में शीट्स होंगे और एमएस वर्ड में पेजेस होंगे, तो इसी तरह एडोब में लायर होंगे। आप लायर के जरिए सारे काम सर अंजाम कर सकते हो लायर के जरिए, और आप जो भी काम करेंगे तो आपको लायर का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। विदाउट लायर आपको आप कोई भी काम सरंजाम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो हम जितने भी लायर्स देंगे इसका फुल सेटअप और तफसील यहाँ पर आ जाएंगे। और ये जो चैनल है, चैनल पर जब हम जो भी कलर भी इस्तेमाल करते हो यहाँ पर आ जाएंगे कलर। और यहाँ पर बात यह है भी टूल्स का मुकम्मल तफसील यहाँ पर भी आ जाएंगे टूल्स का।